श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। सबसे पहले आपको अपडेट देते चलें, पिछले 3-4-5 दिनों से या आप यूं कह सकते हैं कि 2 हफ्तों के दौरान काफी गर्मी बर्दाश्त की जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों से बारिशें होने या मौसम के करवट लेने की इतलात और मनाजिर देखे गए, और जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी से अब जाकर बिलाखिर मुकम्मल तौर पर राहत मिली है, क्योंकि बालाई इलाके हों या मैदानी इलाके हों, हर जगह बारिशों का एक सिलसिला कल से देखा जा रहा है। यकुम अक्टूबर तक ये वक्फे से बारिशें भी रहेंगी, महकमा मौसमियात ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन श्रीनगर के अंदर भी, जहां पर पिछले कई रोज से हम देख रहे थे या इंतजार किया जा रहा था कि बारिशें होंगी या नहीं, महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस जो हैं पिछले कुछ दिनों में सही साबित नहीं हुई थी, मौसम अबरालू जरूर था, मगर इन सब के दरमियान आज सुबह की तस्वीरें आपके सामने। श्रीनगर के मुतद्दद इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश तकरीबन 3 से 4 घंटों तक जारी रही, और इस वक्त भी खबर है कई इलाकों में बारिशें हो रही हैं, सड़कें जेरे आब हैं, कुछ एक मकामात की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बारिश का असर बेशतर हिस्सों के अंदर देखा गया। इधर महकमा मौसमियात के श्रीनगर दफ्तर के बयान को अगर सही माना जाए तो वहां से तस्दीक की गई है कि 1 अक्टूबर की शाम तक, यानी अगला महीना जब शुरू होगा, तब तक वक्फे से बारिशों का यह सिलसिला शुरू होगा, जारी रहेगा, और निचले इलाकों में या मैदानी इलाकों में मजीद बारिशें आइंदा 48 घंटों में होने के साथ मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो सकते हैं। इन्हीं 48 घंटों में अफरवट की पहाड़ियों पर, खिताए पीर पंचाल के चंद एक हिस्सों में सीजन की पहली बर्फबारी भी देखी गई, जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली, दर्जा हरारत नीचे गिर गया। लेकिन ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले के श्रीनगर शहर और मुनक्का इलाकों की, जहां पर मूसलाधार बारिश वक्फे से देखी। जहां कल हमने जम्मू सूबे के अंदर सुबह सुबह बादल देखे और फटाफट से आनन फानन में तकरीबन एक आधे घंटे तक बारिशें भी बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हुई जम्मू शहर के अंदर, और उसके फौरन बाद मौसम साजगार हुआ, वहीं पर आज सूरत हाल यह है कि आज सुबह 3 बजे से वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर मतला अबरालूद है, और अबरालूद रहने के साथ ही कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हो रही हैं। और ये सुबह की तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक क्लॉक टावर एरिया की घंटाघर की खामोश इलाका, बारिशें हो रही हैं और मनाजिर किस तरीके के शहर के हैं वो आपके सामने है। इधर कई निचले इलाकों के अंदर जिस तरीके से बारिशें हुई हैं तो वो ड्रेनेज वाला मामला जो हमारा रहता है, निकासी आब वाला मामला जो है, वो एक बार फिर मौज़े बहस बना है, क्योंकि कई मकामात पर जो है पानी जमा होने की भी इतलात आ रही है। अगर थोड़ा सा ही पानी जमा हुआ, लेकिन ज़रूर इस तरीके की इतलात और ख़बरें जो है कि पानी कई मकामात पर जमा हुआ है। और ये तस्वीरें शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की हैं, जहाँ सुबह सुबह बारिशें हुई और बारिशों के बाद थोड़ी सी दर्ज हरारत में जो है नमी पैदा हुई है, थोड़ी सी गिरावट हुई है, और जो सैयाह इस वक्त वादी के अंदर है वो भी कहीं ना कहीं इससे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इधर झील डल के आसपास सुबह सैयाह होने बरसती बारिश का भी खूबसूरत नज़ारा देखा है और इससे लुत्फानंदोज़ भी हुए हैं। श्रीनगर के साथ साथ शोपियाँ और इतलात कुलगाम और बांडीपोरा में भी इतला ये है, बारामूला से भी इतला ये है कि वहाँ पर भी इसी तरीके की बारिशों का आगाज हो गया है। राहत की सांस थोड़ी सी जरूर हॉर्टिकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता लोगों ने भी लिया, क्योंकि पानी का बहाव कम हो रहा था, और पिछले दिनों भी आपको याद होगा कि हमने आपको खबर बताई थी, लेकिन फाइनली एक बार फिर बारिशों का आगाज हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सुबह 3 बजे से वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बीच जम्मू सूबे की जहां तक बात करें तो मतला बरालू जरूर है, लेकिन बूंदाबांदी का कहीं पर भी इम्कान नहीं है, और बाद सपहर सारा मामला जम्मू सूबे के अंदर ठीक होगा, यानी बादल जो है वो हट जाएंगे मुकम्मल तौर पर। लेकिन सूबा कश्मीर की सूरत हाल ये है कि फिलहाल यकम अक्टूबर तक इसी तरीके से वक्फे से बारिशों का आगाज हो सकता है। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की, लेकिन जरा एक और नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास, कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।